हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी रेड नोटिस पर। जितनी बेसब्री से इस मूवी का इंतजार था, उतना ही मजा इसे देखने में भी आया। इस मूवी की स्टार कास्ट इतनी खास है कि इसकी स्टोरी खास ना भी हो तो भी चलेगा, और हुआ भी यही। इस अनोखी तीन की तिगड़ी ने अपने ही अंदाज में इस सिंपल सी एक्शन कॉमेडी को मजेदार बना दिया, और इसे यादगार बनाने में मिस हवा हवाई का बहुत ही अहम रोल रहा है। मूवी के स्टार कास्ट की इंट्रो की कोई जरूरत नहीं, फिर भी औपचारिक तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि मिस्टर खिलाड़ी है ड्वेन जॉनसन, मिस्टर रनाड़ी है रियान रेनॉल्ड्स एंड मिस हवा हवाई है गैल गैडट। ये मूवी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के मॉडर्न वर्जन की तरह है, जिसमें मिस हवा हवाई अपने हुस्न से सबको अपना दीवाना बना लेती है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो रियान उर्फ नोलन दुनिया का बेस्ट थीफ है, जिसके पीछे इंस्पेक्टर दास काफी सालों से है, और रियान को पकड़ने में इनका साथ देता है ड्वेन उर्फ जॉन, जो कि एक FBI ऑफिसर है, और ये उसे पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन गैल उर्फ द बिशप की हेल्प से, जो कि खुद एक चोर है, लेकिन बिशप जॉन को भी फंसा देती है और अपने रास्ते से इन दोनों को हटा देती है। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है और ये चोर पुलिस की कहानी कैसे ट्रेजर हंटिंग में बदलती है, ये जानने का सफर वाकई रोमांचक होने वाला है। मूवी की स्टोरी में कुछ दम नहीं है। मैं आपको स्टोरी बताने लगा तो आपके साथ साथ मैं भी बौखला जाऊंगा, क्योंकि ये दिखाते कुछ है और हो कुछ जाता है। कहानी में बहुत से फ्लोज है, बहुत सी कमियां है, बहुत कुछ अधूरा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी इस तीन की तिगड़ी ने मूवी में एंटरटेनमेंट की जरा भी कमी नहीं छोड़ी है। इन्होंने आग लगा दी है। इन तीनों की जोड़ी उस स्कूल ग्रुप की तरह है, जो एक दूसरे की खिंचाई और सुताई का जरा भी मौका नहीं छोड़ते हैं। जो कब किस तरफ पलट जाए कुछ नहीं पता, उसके बावजूद भी घूम फिर कर ये साथ आ ही जाते हैं। मूवी में एक्शन है, कॉमेडी है, हाइस्ट है, ट्रेजर हंटिंग है। नोलन और जॉन की अजीब सी सैड स्टोरी है, जिसका कोई तुक नहीं बनता। ये पागलपंती से भरी हुई है, और पूरी मूवी में बेचारी इंस्पेक्टर दास इन्हें चेज ही करती रहती है। इनका कैरेक्टर उस बच्चे की तरह है जो लॉलीपॉप के लिए रोता रहता है, लेकिन जब उसे लॉलीपॉप मिलती है तो मुंह में जाने से पहले ही वो हाथ से गिरकर टूट जाती है। कहानी आपको घुमाती रहती है, एक चोरी से दूसरी चोरी, एक जगह से दूसरी जगह। ये झूठ, फरेब और गैल गैडट की अदाओं से भरी हुई है। हमारी मिस हवा हवाई मिस्टर खिलाड़ी और मिस्टर रनाड़ी को मात देती रहती है, लेकिन कोई किसी से कम नहीं। यहाँ किसी की जीत नहीं और किसी की हार नहीं। आज तेरा दिन है तो कल मेरा दिन होगा, और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है, जहाँ ये तीनों अंत में आकर एक दूसरे के साथ दोबारा से चोरी करने निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तक का सफर एकदम लाजवाब रहता है, जिसे देखकर आपको मजा आने वाला है। तो दिमाग को एक तरफ रख कर कुछ हसीन और मजेदार देखना चाहते हो तो रेड नोटिस आपके लिए परफेक्ट मूवी है। ये मूवी आपको काफी हंसाने वाली है, और मिस हवा हवाई आपका दिल चुरा कर ले जाने वाली है।